तो देखिए ये है नाड़ीपति गौशाला, इसकी देख रेख करते हैं डॉक्टर कृष्णम राजू जी, और ये एक साइंटिस्ट भी है। और ये गौ माता, इसको माइक्रो मिनी माइक्रो ब्रीड कहा जाता है, और वो वहाँ पे है वो मिनिएचर ब्रीड है। देख रहे हो आप कितनी सुंदर गौ माता है, और इनकी हाइट देखिए कितनी है, लगभग 2 फीट के नीचे है, देख रहे हो आप। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी जगह पे आज मुझे लेके आओगे। हाँ। कि मैं ऐसी चीज़ आज दिन तक कहीं देखी भी नहीं है, और आज वो देख के इतनी खुशी हुई कि मेरा एक दोस्त आज मेरी मेरे को एक अच्छी जगह पे लेके आया, और ऐसी चीज़ देखने को मिली कि मेरा मन आज गदगद हो रहा है। तो मैं आपको कृष्णम राजू जी की और एक खासियत बताता हूँ जी। इन्होंने 16 साल इनके ऊपर रिसर्च करके और ये ब्रीड को तैयार किया है। इन्होंने 16 साल में 3000 गौ माता की ब्रीडिंग की है। कितनी? 3000। और आप घर में आजकल सब लोग कुत्ते को पालते हैं, पुराने ज़माने में हमारे हर घर में, सनातन धर्म के हर घर में एक गौ माता रहती थी, तो उसी उद्देश्य से इन्होंने ये मिनी माइक्रो ब्रीड तैयार की है। और इनका लक्ष्य यही है कि घर घर गौ माता, जैसे मोदी जी कहते हैं ना घर घर तिरंगा, तो वैसे ही ये घर घर गौ माता का प्लान कर रहे हैं, और हर घर के घर में ये गौ माता रहनी चाहिए। देखिए इसका वजन भी बहुत हल्का है, आप इसे उठाइए कितनी प्यारी है देखो। और पूरे विश्व में खासियत ये की है कि पूरे विश्व में ये आपको नाड़ीपति गौशाला में ही देखने को मिलेगी, और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। आज मुझे ये बात सुनकर इतनी खुशी हो रही है कि आने वाले ज़माने में, मतलब आने वाले चंद दिनों के अंदर, के जो कुत्ते पालते थे वो शायद गाय वापस पालने लगेंगे, और भारत का वैभव वापस ऐसा सनातन धर्म के अंदर वापस आने वाला है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी छोटी छोटी गायें हर आदमी पालना चाहेगा, और घर में कुत्तों की जगह गायों को पालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और डॉक्टर कृष्णम राजू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 16 साल मेहनत करके आज ऐसी ब्रीड इन्होंने तैयार की है, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भारत सनातन की ओर वापस बढ़ता जा रहा है। तो भारत को ये गौमाता देने के लिए कृष्णम राजू जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखिए नंदी महाराज जी कितनी अच्छी तरह खेलते हुए यहाँ पे, देखिए ये काली गौमाता है, काली गौमाता, और ये भी छोटी गौमाता, देखिए इनकी हाइट इतनी रहती है, इससे ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है, और अपन इसको घर में पाल सकते हैं, बहुत सुरक्षित रहती है, अपने साथ घुल मिल जाती है, और घर में अच्छा वातावरण होता है। देखिए ये गौमाता कितनी प्यारी है, देखिए बहुत छोटी गौमाता है ना, देखिए ऐसा है विनोद भाई, ऐसा लग रहा है हाँ। कि अपने घुटनों से भी बहुत छोटी लग रही है तो हाँ। और घर में देखिए लोग सुबह सुबह कुत्ते को वॉकिंग कराने जाते हैं हाँ। अगर ऐसी गायों को अगर वॉकिंग कराने जाए तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और लोग भी अपनी तरफ ही देखेंगे, आकर्षित होंगे। और ऐसे आकर्षित होने का मेन वजह है जो कृष्णम राजू जी डॉक्टर ने जो इतना मेहनत करके, एक साइंटिस्ट भी है, कितनी मेहनत की होगी जब ये इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है, और अपने भारत सनातन को वैभव बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार भी इसके ऊपर एक नज़र लगाए और घर घर गौ माता का अभियान चलाए, और ये गौ माता हर एक के घर में होनी चाहिए, और गौ माता अपने घर में रहने से अपना वातावरण भी, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, सबको सद्बुद्धि मिलती है, और सब लोग की सोच विचार सब अच्छे रहते हैं, गलत संगति में नहीं जाएंगे, हर दिन गौ माता के साथ रहेंगे तो उनकी आदत भी अच्छी रहेगी, उनको सद्बुद्धि मिलेगी। देखिए ये गौ माता मेरे घुटने से भी बहुत छोटी है, देखिए आप, तो इसको अपन घर में बहुत बढ़िया तरह से पाल सकते हैं, और अपन जो खाते हैं वही ये खाना खिला सकते हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसी गौशाला में आज हम आए, और हमारा भाग्य है कि 15 अगस्त के दिन जो मोदी जी ने बोला कि घर घर तिरंगा, और आज अपन ऐसी सोच रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये चीज़ लेके जाए कि हर घर गाय, घर घर गाय, ऐसा कोई अभियान चलाए, और ऐसी गाय हर हर व्यक्ति रख सकता है अपने घर में, इनके साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये बात अपने भारत सरकार तक जाएगी, और घर घर गौ माता भी आएगी, और देखिए बहुत प्यार से बुलाती हुई, कितना अच्छा लग रहा है आज ऐसी विशाल प्रांगण में आज ऐसी जगह पे आने का मौका। हम तो यहाँ पे आके बहुत धनी हो गए सोच रहे हैं, हमें बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ हर भाई से कि आप भी इस गौशाला में ज़रूर पधारे, और एक दिन पूरा दिन गौ माता के साथ रहिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, वंदे गौ मातरम।